बाकी लोग जो बिरला छड़ के होरों को मंगते बहुत जाए। एक बड़ा जुल्म है जिते पल्ले अज मेरी गल बनो भी कोई बहस ना करे शिरक ही है नहीं एक खप पाई नहीं ये शिरक नहीं अल्लाह ने आप ही आख दसो ना भी आखिर कोई शिरक है भी इन्ना रब डराउन दिया दोज़ख भेजन दिया ना मुशरक वो जुर्म दसो ना जे आखो रब नहीं मनते आओ कुरान खोलो दफ्तर के दफ्तर रब ने पढ़े कि इन्होंने पूछो कहने जमीन आसमान बनाए मक्के के मुशरक होंगे रब ने बनाए बारिशा कौन उतार और जुर्म दसो ना और मक्के के काफर का दसो वो कि शिरक है जिन्होंने अल्लाह ने शिरक किया आपे फस जाएंगे और सही रस्ते से आ जाएंगे शिरक दसो जिस पारो मुशरक मुशरक पाए जे आखो रब नहीं मानते कौन आता वो चूड़े चमार से बैतुल्ला के मुतवली से तवाफ करते खतने कराते अकीके करते कुरबानी देंदे मैदान अरफात जाते वह इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थी कदों उन्हें खुदा का इनकार किया कदों आख्या कई खुदा नहीं यो आते करला है वह सब कुछ किया कराया मगर ये बावजूद मुशरक पाए रसूल खुदा ने पूछा एक आदमी ने गालिब इमरान इब्न हुसैन से यार तू इस्लाम तो पहले किन्ने मुश्किल कुशा रखे से उन्हें आख्या छह जमीन से एक अर्श वाला जिसमें बिल्कुल ही नको मूँह चलती थी उस अरश बारे में असं याद करते हूँ काम इन्हों तो लंघ गया हूँ अरश अजीम का मालिक ही करूंगा जिन्ना चर छोटे मोटे से साढ़े पीर देवता वरी जड़े से कम करते और शिरक रब होना भी शिरक कि गल से खतना नहीं कराते अकीके नहीं करते ये सारिया चीज़ा उन्होंने मक्के के लोगों में मौजूद से अल्लाह तला कुरान चाहता अगर तुम इन्हों पुछो ब्याह कम किन्ने आह कम किन्ने किए सारे कह अल्लाह ने किए साफ साफ कह पढ़ो ना सूरा अल मोमिनून इस एक मकाम पढ़ना वरना बहुत जगह यह मजमून है कुल नमन अरजमान श्री आवैन इन कुन तुम तालम इन्हों पुछो कि जमीन के दी यार जमीन के अंदर जो कुछ का मालिक कौन है जे तुम जानते जे मक्के दे काफरों मुशरको दसो साइकूल उन्होंने ला फौरन कह अल्लाह जमीन अल्लाह दी है जो कि कोला फला तक करो पर मैं मन तो बाद फिर अकल नहीं करते जो तो सारे का मालिक हो दूजा तो उन्होंने कितों दे दूंगा किसी दूसरे की कोई शायद है अल्लाह मालिक उन्होंने क्यों फिर छड़ जाते जी कुल मर रब समावाद सब रब अरश जी ये पुछो कि सत्ता आसमाना का मालिक कौन है और अरश अजीम का मालिक कौन है साई कूल उन्होंने लाला अल्लाह ने आख्या दरा भी नहीं चिचकना उन्होंने फौरन करना कि अल्लाह का थोड़ा फला तत्ता कौन तो शर्म नहीं आती फिर कुल मम बेजद मरा कू तो कुल शैम वाह जीरो बरा जारो लैन कुन तार ये भी पुछो बजे जानते जी दसो तो कि हाथ जमीनों आसमान का इंतजाम है सारी कायनात की बागडोर कि कब्जे च और कौन पनाह देता है और जो नाराज हो जाए तो उसके मुकाबले कोई बड़ी देवता फिर पनाह नहीं देता इतों तक फसे कैसा ही कूर उन्होंने अल्लाह आते अल्लाह ही अल्लाह के मुकाबले कौन ठहर सकता कुल फन ना तो सर हूँ क्यों तुम्हारी मत मारी जाती एक हिस्सा पढ़िया होर भी कुरान मजीद जगह जगह मजमून आता जिन्होंने असं आने वो काफिर सी ये गल्ला भी मनते कि रब दे कोल है सर मुशरक फिर किस हो गए मुशरक हो गए वसीला मनन तो वसीले ने बेड़ा कर करता कि रब न बादशाह समझ लिया कि किसी दूर दराज बैठा तो उन्होंने कोई खबर नहीं हूँ फलाने मिलो जाओ कोई कहूगा और लै डुबी पौड़ी उन्होंने तहूँ भी लै डुबी कोठे से चढ़ना तो पौड़ी से चढ़ो रब कोठे से चढ़ के बैठा को हया करया करो खुदा तो कंबो कि दिल दे रात जानता दुनिया पैदा होने तो पहला तो जानता उन्होंने किने जाके नवी गल सुनी और पीरां गोरियां तो तुम दसना तो तद पता लगना खुदा पहला तो जानता कि तरह उन्होंने नवी देनी तुम ना किसी का वह दबाओ अब जे अल्लाह नहीं करना चाहता कहने दबाव पड़ा काफिर ने खुदा तो कर बर जबरदस्त के और किड़े पर शिरक कर दे लोग कुरान चो हवाला दें कि वह बेचारे सिफारशी मनते वसीला मनते भी रब डाढ़ा असी गुनाहगार हाँ असी नहीं सामने जा सकते इन्हों का सहारा लेने ये फिर रब न राजी करते मना सूरा यूनस अल्लाह तला फरमा 18वां यदा नंबर है सूर आयत का वया बदून मिंदूर इला महाराज जुर्रों वलाया उन्होंने पूजा करते उन्होंने मनते चुमते चटते जेड़े ना कोई नुकसान पहुँचा सकते उन्होंने नफा पहुँचा भाई कूलू ना हाओलाय शफा अल्लाह कहें करते कराते कुछ नहीं अल्लाह के दरबार सिफारश कुला चुनबे ऊन अल्लाह महाराज आना फिर समावाद वाला फिर इन्ने तरीके अल्लाह ने गल कही ना ब्याम असी कही काफर हो जाए अल्लाह ने आख्या तुम अल्लाह ने एक ऐसी गल की खबर दे रहे जी ना आसमान जानता तो ना जमीन जानता अल्लाह के धर्म च कोई नहीं आसमान कोई सिफारशी आई जमीन कैसी बात होंगी तो अल्लाह ना जानता हूँ इस अंदाज समझाया कि कमबख्तो हुकूमत मेरी है मैं बना दिता तो मैं ही बना तेन कुछ बना मैनू ना इलम हों चुनबे ऊन अल्लाह तुम अल्लाह ने एक कैसी तो गल दस रहे जे महाराज आलम फिर समावाद फिर
जड़ी ना वो इलम च आसमाना चा ना जमीना च, मतलब है ही नहीं। एक झूठी गल बना के रब न चला देंगे फिर सिफारशी सुबहानाहू व तआला अम्मा युशरिकून ए कुरान है इन्ने टुकड़े न फैलाइए कई खुद में सुबहानाहू जिस खुदा की गल करो बैदा वो कोई थक गया दुनिया बना के उन्होंने नाल मददगार रख लिया। वो कोई डीसी एस पी है कले को नहीं चलता थले एहलकार रखे जब दुनिया बनाई को नाल हैगा सी उहदे। और दूसरा सूरा जुमर च पढ़ूंगा ऐ सूरा जुमर तेईवां सिपारा और ये अंदर अल्लाह तला फरमाउंदा कहिंदे वल्लज़ीन तहज़ू मिन दूनी औलिया जिन्हां ने अल्लाह तो सिवा होर वली बना लिया। वली जे तक ना अल्लाह का दोस्त फिर ठीक है, जे वली है ना सरप्रस्त आ साडे मददगार आ मुश्किल खुशा फिर कुफर क्या अल्लाह नूं छड्ड के होर बना लिया जे वली कि तुहाडे हिमायती और मददगार। और जो पूछी जा मां ना बुदम इला करे बुना अल्लाह दे कहंदे असीं इन्हां नूं सिर्फ इस तो पूछते हैं कि सानू अल्लाह के करीब कर दे ए रब तक पहुँचाते वसीले ले युकर्रिबूना इल्ला ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुम बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख़्तलिफ़ून। अल्लाह ने आख्या तुहाड़ी बकवास सुन ली है मैं तो जिदन क्यामत की अदालत होगी उदन मैं तुम्हें फैसले सुनाऊंगा। इन्नल्लाह ला यहदी मन वकाज़बुन कफ़ार हिदायत तो मुराद कामयाबी भी होंगी। उस दिन वो लोग फलाह नहीं पाएंगे ना कामयाब होंगे अल्लाह की अदालत तो जेडे झूठे है और एहसान फरामोश ए गहरी बात है। मुशरक वो जो झूठा एक मुशरक का जुर्म है कहानियां जाली झूठ बोल दे और दूसरा कफार बहुत बड़े एहसान फरामोशर खांदे रब का गुण दूजे के गाँव है पुत तो देंदा तो चंडा चुक लेंगे काका शाह कालू ने दिता फलाने दिता और काका शाह कालू ने की करना है जो फिर रब बूटा पुटदा ना जो लाउंदा बूटी उस पीर बूटी लाई जद रब बूटी पुटन लगा तो किसी ने टांग अड़ाई जो फिर मौत आँगी हूँ की हो पीर साहब रब की मर्जी तो पहला बकवास ना करो रब की मनो। इस तो अल्लाह आंदा है मुजरम जड़े ना उदन ही मेरी अदालत बड़ी होकर निकली तो झूठ बनाते रहे ना कुरान पढ़ते सी ना हदीस आपे कहानी बुजुर्ग अच तरह लिखते काज़िब और कफ़ा बहुत बड़े एहसान फरामोश कि जिंदा रब मां दे पेट जिंदा रहा बाद चरे जमन तो हर वक्त दे रहा उदा ना नहीं तू जपता जिन्हें एक दाना नहीं ना उगाया उन्होंने तारीफा कर दो एक होर पढ़ जन अल्लाह अल्लाह खैर सलाम सही मुस्लिम बाब सिफत तरबी कि लबैक कितना कहना चाहिए उत्थे रसूल अल्लाह लबैक भी लिखा जरा सानू सिखाया गया लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हम्दा व निअमत लक व मुल्क ला शरीक लक कोई तेरा शरीक। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मक्के दे वली मनन वाले गौसा कुतबा दे चेले वो जो तवाफ करते थे वो भी लबैक पढ़ते एहो सारा लबैक अखीर बेड़ा गर्क होंदा सी ला शरीक लक तक पढ़ के हजूर आंदे कदन कदन रुक जाओ नहीं रुकते अगे आंदे इला शरीक हुआ लगा तमलिक हुआ मां मालिक बुरा ना मनायो काज दा वड्डा मौलवी भी अपने अकीदे नूं इदां नहीं साफ बयान कर सकता जिहड़ा उन्हें कीता एडी सफाई ना सुथराई ना उन्हें आख्या मुहम्मद असी कदों मनदे रब दा कोई शरीक इला शरीक हुआ लगा हाँ रब उहदा दखल जरूर है तेरी बादशाह जिहड़ा तेरा बन गया वह तेरे प्यारे बन गया इबादतां कीतियां हुआ लगा अपने आप में तेरी मुहब्बत इस तो तू अपने प्यार से राजी हो गया मगर हूँ भी साडा ईमान है तमलेकू के मालिक उन्हों का तू ही अजे भी तेरा इख्तियार उन्होंने कायम है तेरे तो बारे नहीं हो सकते मां मालिक वो किसी शह के भी मालिक नहीं अगर उन्होंने कुछ करना भी है तो तेरी इजाजत होनी जमे यो ही अजर आते इजन ना कर दे वली अल्लाह के हुक्म यो तू कह मक्के हजूर रोक दे उ ला शरीका लग तो रुक जाओ वो आते नहीं अगे भी कहना जेड़े वे लाडले बन गए उन्होंने कोई दखल हैगा जरूर तमलेकू मालिक उनका है तू व मा मलिक वो किसी चीज अजय उन्होंने काफर आते जी मुझे ये मुसलमान है तौबा कर बिल्कुल यो दीन मतलब से उन्होंने अल्लाह है सारा जहान वह मगर उन्हें अपने प्यारों इख्तियार वंडे वंडिया मुंडिया कुछ नहीं दुआई खुदा दी रब न वंडन की कड़ी जरूरत पेश है वलम यकुर लो शरीक न मुल्क फिर मुल्क कोई शरीक नहीं बनाया वलम यकुर लो वली मेरा जुन अल्लाह कुरान चला सूरा बनी इसराइल दाखरे आयत ले पढ़िया करो बहुत ज्यादा फायदेमंद आयत है वला मे कर लो वरी मेरा जो वो माड़ा पै गया भी उन्हें हूँ नाल मददगार रख लिया कोई थकावट हो गई है कि नहीं चलती दुनिया बिल्कुल गलत बात है। इस बारे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने सूरा जिन चाख्या अल्लाह पाक फरमाते कुल इन्नी लाम लकुम जर्रन वला रसदा तू साफ कह दे कि यकीन ना जान लो कह काफरो मैं ना तुहाडा कुछ बिगाड़ सकदा ना सवार सकदा मेरा काम दीन पहुँचा देना सी उदों बाद मेरे वास्ते कुछ नहीं।
ये सारे दे सारे काम जो ना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इख्तियार है। ते मैं खुद अल्लाह तो इन्ना डरदा कुल इन्नी लई जीरा नहीं मिल अल्लाह, मैं तुहाडे आखे लग गया ते रब दे हुक्म तो जरा इधर उधर होया ते मैनू फिर रब तो कौन बचाऊगा। कौन कह रहा? मुहम्मद रसूला कह रहा। वला नाजदा मैं दू नहीं मुलतहदा, ते रब नू छड़ के मैनू कोई पनाह गाह नहीं मिलनी, फिर किते लोगों नू सहा नहीं लभना। इल्ला बलागा मिन अल्लाह व रसाला, ते मेरा काम जरा मैं उस तो बाद नहीं आना, खुदा दे हुक्म जड़े मैनू मिलते मैं वह पहुँचाने। अजाब आना कि नहीं आना ये मेरे वास्त कुछ नहीं, ये तुम भी अड़ीको मैं भी अड़ीको, जे रब न मंजूर होया तो किस्मत ही अजाब आ जाऊगा। तौबा की तौफीक होनी हो तौबा की तौफीक हो। सूरा का नाम त्याख्या कुल्लो अन्ना इंदी मा तस्ता जलू नम, कह दे अल्लाह दे रसूल कि जी शायद तुम काला काला मंगते जे ना अजाब लाया, जे वह मेरे इख्तियार होंदा अमर हूँ किस्सा मुक गया होंदा, मगर कुरान तो अखा मीट के अगर कोई इधर उधर फिरूगा तो अपनी आकमत खुद तबाह करूगा। अल्लाह बयान करन कोई कथा नहीं चाहिए।